जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हो जाइए तैयारी एक और नए शानदार धमाकेदार रिव्यू वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में दोस्तों हम रिव्यू करने जा रहे हैं ब्रांड न्यू टाटा नैनो इलेक्ट्रिक कार। जी हाँ दोस्तों, अब जिनको नहीं पता वो लोग ये भी बोले हैं कि मेरे भाई ब्रांड न्यू टाटा नैनो इलेक्ट्रिक कार अभी आई कहाँ है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ दोस्तों ये जो है सेम टू सेम नैनो ही गाड़ी होने वाली है और इलेक्ट्रिक भी गाड़ी है। और इस गाड़ी का रियल नाम आपको देखने को मिलने वाला है जैम नियो। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी का नाम है जैम नियो और ये गाड़ी इलेक्ट्रिक होने वाली है और टाटा कंपनी की ही गाड़ी है दोस्तों। वो अलग बात है कि नाम को बस बदल दिया गया और टाटा जो कंपनी है उन्होंने फ्रेंचाइजीज दे रखा नियो कंपनी को, जिस कारण से नियो कंपनी टाटा की गाड़ी को उठा करके इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिनके पास पुराने वाले नैनो थी और अगर ख़राब चल रही या कुछ भी रीज़न से वो लोग सेल करना चाह रहे हो, तो वो लोग भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे कि क्या करें, मतलब नैनो को कैसे बेचें या फिर कुछ भी वगैरह वगैरह जो भी था। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग चाहें तो अपनी पुरानी नैनो को बेच करके नई वाली इलेक्ट्रिक नैनो ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी उस पर कुछ ऑफ़र निकाल रखा है। और ऑफ़र ये है दोस्तों कि आपको जो पुरानी वाली नैनो है वो आपको कंपनी को देनी होगी, यानी कि नियो कंपनी को देनी होगी, और नियो कंपनी आपको 1 लाख का डिस्काउंट देगा, मतलब नई वाली जो नियो आप पसंद करते हो उसमें आपको 1 लाख का छूट दे दिया जाएगा। तो यही है डिफरेंस, बाकी तो खैर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा ऑफर अच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो इस तरीके से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस इलेक्ट्रिक नैनो को सारा कुछ हम देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैं आपको इंटीरियर बताऊँ, तो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दोस्तों इस गाड़ी का आपको देखने को मिल जाता है। इंटीरियर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप देखते रह जाओगे, बहुत ही अच्छा आपको इंटीरियर मिल जाएगा। सबसे पहले बताऊँ तो फ्रंट में आपको दो बड़े बड़े इसमें ग्लव बॉक्स मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस के साथ भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो ग्लव बॉक्स के बगल में स्पीकर्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको दो स्पीकर्स मिल जाएगा और दो स्पीकर्स इस गाड़ी के अंदर आपको पीछे में मिल जाएंगे। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर्स दी गई हैं, 2 आगे और 2 पीछे में। साथ ही साथ इस गाड़ी का जो डोर है, डोर के ऊपर आपको एक भी स्पीकर नहीं मिलेगा, ना ही आपको बॉटल होल्डर देखने को मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। साथ ही साथ इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बताऊं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नॉर्मल बेसिक्स आपको मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दोस्तों कोई भी आपको इसमें डिजिटल मीटर का जो सिस्टम होता है वो आपको देखने को नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ एसी के बारे में बात कर लें तो फ्रंट में आपको 4 AC वेंट इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको पीछे में 1 भी AC वेंट देखने को नहीं मिलेगा। और AC कंट्रोल्स की बात कर लें तो AC कंट्रोल्स नॉर्मल जो बेसिक्स आता है वही आपको मिलेगा, कोई भी इसमें आपको ऑटोमेटिक AC देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ दोस्तों जो AC है उसके अंदर आपको भी थिएटर का भी फीचर्स मिल जाएगा, सो ठंडी व गर्मी दोनों में इस गाड़ी के AC का भरपूर मज़े उठा सकते हैं। साथ ही साथ स्टेयरिंग के बारे में आपको बताऊं तो स्टेयरिंग काफ़ी कमाल का लुक के साथ आपको मिल जाता है, लेकिन स्टेयरिंग के ऊपर आपको कंट्रोल्स कुछ भी नहीं मिलने वाला, जैसे कि मीडिया के कंट्रोल्स हो गए या फिर क्रूज कंट्रोल हो गए, कॉलिंग कंट्रोल्स हो गए, ये सब कंट्रोल्स आपको इस गाड़ी के स्टेयरिंग के ऊपर देखने को नहीं मिल जाता है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों पावर स्टेयरिंग की, तो जी हाँ पावर स्टेयरिंग इस गाड़ी के अंदर दी गई है। और मैं आपको बता दूँ जितनी भी गाड़ी आ रही है ना अभी के टाइम में लगभग हर एक में पावर स्टेयरिंग आ ही रही है दोस्तों, सो पावर स्टेयरिंग के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और इस गाड़ी के अंदर आपको 7 इंचेस का TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बैक कैमरा पार्किंग सेंसर का भी फीचर्स मिल जाते हैं। और गियर की बात करें यानी कि ट्रांसमिशन की बात करें तो गाड़ी का जो ट्रांसमिशन है यानी कि गियर बॉक्स है वो आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी दोस्तों जितनी भी आ रही है सारी की सारी आपको ऑटोमेटिक में ही मिलने वाली है। अगर आप सोच रहे होंगे मैनुअल में लेने का तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी भी आ रही है गाड़ी इलेक्ट्रिक सारी की सारी आपको ऑटोमेटिक में ही मिलेंगी। और इस गाड़ी के चारों को चारों जो विंडोज हैं आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे, हैंड रोटेटिंग, कोई भी आपको उसमें पावर बटन का कंट्रोल्स नहीं दिया गया। साथ ही साथ पीछे से देख सकते हैं, पीछे से भी काफ़ी कमाल का इस गाड़ी का कुल्लू को मिल जाएगा। साथ ही साथ पीछे में इसका जो बूट ओपन करने का फीचर्स होता है वो भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। जैसा कि आप पुरानी वाली नैनो लिया करते थे यानी लेने जाते थे 13-14 मॉडल, तो उस टाइम दोस्तों टॉप मॉडल लेते थे या बेस मॉडल, उसमें आपको पीछे में बूट ओपन करने का फीचर्स नहीं मिलता था। बट ये जो आ रही है ना नैनो इलेक्ट्रिक, ये आप बेस मॉडल लेने जाएँ या फिर टॉप मॉडल लेने जाएँ, आपको जो पीछे में बूट ओपन करने का फीचर्स वो मिलना ही मिलना है। सो ये टेंशन आपकी खत्म हो चुकी है इस गाड़ी के अंदर। साथ ही में बैक में बम्पर पर आप देख सकते हैं कैमरा जो था आपको लगा हुआ मिल जाएगा। और गाड़ी का नंबर प्लेट बताऊँ तो गाड़ी का नंबर प्लेट आपको TS नंबर में मिल जाएगा, DL नंबर में मिल जाएगा, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना वहाँ से आप करा करके गाड़ी को बाई कर सकते हैं। साथ ही साथ गाड़ी का जो नंबर प्लेट है दोस्तों ग्रीन कलर का मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और इस गाड़ी का जो इंजन आपको पीछे में मिलेगा, इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, जैसे कि पीछे में आती थी वैसे ही अभी भी आपको पीछे में मिलेगा और सेम टू सेम लुक के साथ आपको मिलेगा, कोई भी लुक में भी चेंजेस नहीं किया गया, फेसलिफ्ट इस गाड़ी का नहीं किया गया। और इस गाड़ी का साइड लुक बताओ तो साइड लुक भी काफ़ी कमाल का आपको मिल जाएगा। ORVM की बात करें तो गाड़ी के जो ORVM है नॉर्मल बेसिक्स आपको मिलता है, कोई भी इसमें आपको ऑटो फोल्डेबल या फिर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल का फीचर्स नहीं दिया गया। साथ ही साथ टायर के बारे में बताऊँ तो टायर आपको वही जो नॉर्मल 12 इंचेस का आता था वही मिलेगा, साथ में इसमें आपको 12 इंचेस का टायर साइज देखने को मिल जाता है। और नॉर्मल स्टील व्हील जो आती हैं वही आपको मिलेंगी LOS के नाम पर, हालांकि आप चाहें तो इसमें आफ्टर मार्केट LOS इंस्टॉल करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और फ्रंट की बात करें तो दोस्तों ये जो गाड़ी है ब्लैक बम्पर और व्हाइट बम्पर में दोनों में अवेलेबल है। आप बेस मॉडल लेंगे तो आपको ब्लैक
ब्लैक बम्पर मिलेगी, टॉप मॉडल लेंगे तो आपको व्हाइट बम्पर वाली मिलेगी। साथ ही साथ हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स आप टॉप मॉडल हो या फिर बेस मॉडल हो, नॉर्मल हैलोजन मिलेगा, कोई भी आपको इसमें प्रोजेक्टिव हेडलाइट नहीं दिया गया। और साइड इंडिकेटर और पार्किंग लाइट जो होता है आपको हेडलाइट्स में इंस्टॉल मिल जाएंगी। और फ्रंट में आपको सिंगल वाइपर जैसे पहले मिलता था वैसे ही अभी मिलने वाला, और छत के ऊपर आपको एक सिंगल एंटीना देखने को मिल जाएगा। और चार्जिंग करना हो तो चार्जिंग का बहुत ही गंदा सीन बना दिया है इस गाड़ी का दोस्तों। चार्जिंग जब भी करना हो तो जैसे कि हम नैनो के अंदर पेट्रोल वेरिएंट में पेट्रोल डलवाया करते थे बोनट ओपन करके, सेम टू सेम उसी तरीके से आपको चार्ज भी करना पड़ेगा। जब भी गाड़ी को चार्ज लगाना हो तो आपको गाड़ी का जो बोनट है ओपन करना पड़ेगा, देन आप चार्ज लगा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये थोड़ा गड़बड़ है इस गाड़ी के अंदर। हाँ, बाकी जो मैं आपको बताऊँ अपने तरफ से पर्सनली तो कोई ऐसा गड़बड़ वाली बात नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ इंजन के बारे में, कुछ और डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर दोस्तों इस गाड़ी के मैक्सिमम पावर की, तो इस गाड़ी का जो मैक्सिमम पावर आपको देखने को मिल जाएगा 27 BHP का, जो कि गाड़ी के हिसाब से थोड़ा कम है, बट ठीक है, चल जाएगा, एवरेज है। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 68 Nm का आपको इस गाड़ी के अंदर टॉर्क भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। टॉर्क आपको 68 Nm का मिल रहा है। साथ में मोटर की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर इंडक्शन मोटर यूज़ किया गया है। साथ ही साथ बैटरी कैपेसिटी मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 17 kWh का इसमें आपको बैटरी कैपेसिटी मिल जाता है, जो कि गाड़ी के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैटरी कैपेसिटी है, नो डाउट इसमें। साथ ही साथ बात करें बैटरी टाइप की तो लिथियम आयन इस गाड़ी के अंदर आपको बैटरी मिल जाता है दोस्तों। और बैटरी वोल्टेज की बात करें तो 48 V का आपको इसमें बैटरी वोल्टेज भी देखने को मिल जाता है, जो कि गाड़ी के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। साथ ही साथ ड्राइव लेआउट की बात करें तो रियर व्हील ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। और गियर बॉक्स तो मैंने आपको बता ही दिया था, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वाली ये गाड़ी है। साथ ही साथ 0 to 40 km/h का स्पीड जो दोस्तों ये गाड़ी है सिर्फ और सिर्फ 5.8 सेकंड में तय कर लेती है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त इस गाड़ी का स्पीड आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गाड़ी के रेंज की, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी में मेन इंपॉर्टेंट होता है रेंज ही, कि आखिरकार एक फुल चार्ज पर जो गाड़ी है कितनी किलोमीटर चल सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कंपनी खुद क्लेम करती है कि एक फुल चार्ज पर जो गाड़ी है 140 से 150 किलोमीटर बहुत आराम से चली जाएगी। और रही बात चार्जिंग टाइमिंग की, तो दोस्तों चार्जिंग टाइमिंग आपको 7 से 7.5 घंटे का देखने को मिल जाता है। कुल मिलाकर बताऊँ तो 7 से 7.5 घंटे आप गाड़ी को चार्ज लगाइए, देन आप गाड़ी को 140 से 150 किलोमीटर बहुत आराम से चलाइए। नॉर्मल एवरेज स्पीड में चलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एवरेज देगा, और जितना ज़्यादा खींच कर चलाइएगा उतना गंदा आपको एवरेज देने वाली है गाड़ी। साथ ही साथ बात करें इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस आपको स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिल जाता है 4 lakh rupees। जी हाँ, एक शोरूम प्राइस इस गाड़ी का 4 lakh, और एंड प्राइस की बात करें तो 6 lakh तक आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब 4 से 6 के बीच में जो गाड़ी है लिपट जाती है, टॉप मॉडल लेने जाएंगे तो 6 से 6.5 आपको हार्डली ऑन रोड होते होते पड़ जाने वाला है। तो दोनों गाड़ी मतलब इसका आपको प्राइस तो पता चल ही गया हो कि क्या प्राइस है, एंडिंग प्राइस और स्टार्टिंग प्राइस। अब बड़ी आती है कि इस गाड़ी को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका सिटी यूज़ हो और सिटी में ज़्यादातर आपको यूज़ करना हो, घूमना हो, तो आप बेशक इस गाड़ी को ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी बेस्ट गाड़ी है और टाटा आपको पता है ऑलरेडी ब्रांड है, तो ब्रांड टू ब्रांड ही रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो काफ़ी बेटर गाड़ी है, लेना चाहते बिल्कुल ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।